न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर इंडोनेशिया के जकार्ता तक और रशिया के पीटरबर्ग से लेकर नामीबिया ट्रेड कम्युनिटी तक विस्तृत विश्व बाजार में वह आत्मनिर्भर भारत जहां फ्रांस से राफेल आयात कर इम्पोर्टर बनने के बजाय हम आकाश जैसी मिसाइलों का निर्यात कर डिफेंस एक्सपोर्टर बन सके। विश्व बाजार में वह आत्मनिर्भर भारत जहां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के आदिवासियों द्वारा बनाए वुडक्राफ्ट कैलिफोर्निया के डेकोरेशन मार्केट पर विक्रय हेतु उपलब्ध हो। वर्ल्ड ग्रेन मार्केट में वह आत्मनिर्भर भारत जहां बिहार के पूर्णिया की सरसों जापान के ओसाका मार्केट में सुगंध फैलाती हो। वह आत्मनिर्भर भारत जहां रुई से लेकर सुई तक और बैलिस्टिक इंजन से लेकर माइक्रोचिप तक का निर्माण करने में हमारे स्वदेशी उद्योग सक्षम हो। विश्व बाजार में ध्रुव तारे की तरह स्थापित यह आत्मनिर्भर भारत महज मेरी कल्पना नहीं वरन सदियों की सुदृढ़ आर्थिक परंपरा और वर्तमान युवा संकल्प शक्ति पर विश्वास का प्रतिबिंब है। अत्यंत अल्प समय में 104 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष अर्थशास्त्र में नई अवधारणाएं गढ़ने वाला भारत हो अथवा इस संकटकालीन समय में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन N95 मास्क और पीपी किट जैसी सुविधाओं का निर्यात कर हेल्थ इकोनॉमी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला भारत, हमारा प्रत्येक कदम आत्मनिर्भरता की दिशा में एक संकल्प सिद्ध हो रहा है। किंतु विश्व बाजार में उपभोक्ता के स्थान पर निर्माता, निर्यातक और विक्रेता के स्थान पर प्रतिष्ठित होने के लिए हमें एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो हमारे डेमोग्राफिक डिजास्टर को डेमोग्राफिक डिविडेंट और डेमोग्राफिक डेवलपमेंट में परिवर्तित कर सके। इसके लिए हमारे लेह लद्दाख की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर मणिपुर के लाई हरोबा पर्व तक और केरल के ओणम त्योहार से लेकर मध्य प्रदेश की खजुराहो के शिलाश्रयों तक का विश्व पर्यटन के रूप में प्रचार प्रसार तथा क्षेत्रीय विशेषताओं को सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़कर हम विश्व बाजार में टूरिज्म इकोनॉमी का आत्मनिर्भर मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत में बुनकरों के बनाए वस्त्र और राजस्थान के हस्तशिल्प तो वर्षों से विश्व बाजार के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, अतः लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्राम्य उत्पादों को वुहान गिफ्ट मार्केट जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध करवाकर हम रूरल रेजोनेंस का आत्मनिर्भर मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को FDI से जोड़कर और इंटेंट, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की लगाम युवाओं के हाथ में सौंपकर हम तकनीक में आत्मनिर्भर भारत का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। हाई लेबोरेटरी की टेक्निक्स खेतों में किसानों तक उपलब्ध करवाकर और किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट और वर्ल्ड मार्केट एक्सेस पहुंचाकर हम आत्मनिर्भर एग्रोनॉमी का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। घूंघट में घुट रही महिला शक्ति का अर्थव्यवस्था में योगदान सुनिश्चित कर हम समावेशी मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे हमारे GDP में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी हो। शिक्षित समाज, प्रशिक्षित समाज और वैज्ञानिक अनुसंधान युक्त व्यवस्था का निर्माण कर इस वैश्विक आर्थिक महासमर में भारत विजयी हो सकता है। आवश्यकता है हमारे तमाम आर्थिक संगठन RBI से लेकर के तमाम निजी क्षेत्र के बैंक भी अपनी पूर्वाग्रह तोड़कर युवा उद्यमियों को सहायता उपलब्ध करवाए। आवश्यकता है आप और मैं अपने पूर्वाग्रह तोड़कर गांव से पलायन करने के बजाय ग्राम में अर्थव्यवस्था को सक्षम से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।